दीवान हो कैसे हो भाई हो आप सब शुरू करते हैं बादशाह एंड इंदीप बख्शी से सो इंदीप बख्शी काइंड ऑफ एक्सपोज हो चुके हैं जिनको नहीं पता की कहां से शुरू हुआ है उनको थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ पहले सो एक ट्रैक है बरबरी चेक इंदीप बखी का जिसपे बादशाह ने रिसेंटली ये क्लेम करा कर वो ट्रैक उनका था एंड इंदीप बख्शी ने चुराया है जिसके बाद इंदी ने भी अपनी तरफ से प्रूफ दिखाते हुए दो का एक प्रोजेक्ट दिखाया बरबरी चेक्स का एंड ये क्लेम करा कि वो ट्रैक उन्होंने खुद बनाया है तो अभी इसमें एक और बंदे की एंट्री हो चुकी है और उनको लेके आए हैं राजोन्स भाई म्यूजिक प्रोड्यूसर सच जिन्होंने सब कुछ सच बता दिया है तो बरबरी चेक्स उन्होंने खुद रिकॉर्ड था बादशाह का उनके पास जो ऑडियो फाइल्स है बादशाह की वो अप्रैल दो हजार बारह की है और जो इन बख्शी ने प्रोजेक्ट दिखाया था वो दो हजार बारह सेप्टेम्बर का था इवन म्यूजिक प्रोड्यूसर सच ने ये भी बताया कि उन्होंने बादशाह का एंड शायद जब वो वॉशरूम गए होंगे तो इन दीपी ने वो ट्रैक ट्रांसफर कर लिया ऐसा सच का कहना है बाकी ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है हम बढ़ते हैं आगे तो क्या इक्का एंड रफ्तार इस बार जज होने वाले एम हसल सीजन फोर के तो हसल वाले रोज ये पोस्ट करते हैं कि अपना जज चुनो वोट करो खैर वहीं पे एक जम्मू के आर्टिस्ट पीडीजे ने काफी कॉन्फिडेंस के साथ

तो बहुत ही सही था मूवी में भी बहुत ही कनेक्टेड है उसको ग्रो होते हुए है ब्रो। हम स्प्लेंडर पे, एंटाफिल से मेरे टी जंक्शन करता था उसका हम टी जंक्शन पे पार्क करते थे, स्प्लेंडर, और फिर लेके, के में आते थे। तो ऐसा हम लोग का बॉन्डिंग था फ्रेंडशिप था जो भी कर रहा है देखा उसने जो भी घर वर लिया है जो भी उसका खबर है मेरे को क्या कर रहे वो अभी मतलब अभी कनेक्ट नहीं हम लोग मिल रहे अलग रहते हैं हम लोग थोड़ा अलग रहते लेकिन मेरे को खबर है वो क्या कर रहे उनके आर्टिस्ट से मेरा बात होता रहता से मिलता रहता तो बहुत ही अच्छा लगता इस वीडियो के लिए इतना ही मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट में Till then, bye bye.